व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो लुक है ये है एक ब्लू आइज लुक, जिसे मैंने कैरी किया है बहुत सिंपली, लेकिन आप इसे एक्सेसराइज करके हैवी ज्वेलरी हैवी आउटफिट के साथ बना सकते हो बहुत ही हैवी लुक। इसके लिए सबसे पहले मैं कंसीलर अप्लाई कर लिया है मैंने आइज़ पे, और फिर मैं एक हाइलाइटिंग शेड से हाइलाइटर से अच्छे से आईब्रो बोन को हाइलाइट कर लूँगी। उसके बाद जो मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और उससे एक बहुत ही लाइट शेड की ब्लू इस कलर अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन के ऊपर। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर, और मैं उसे आउटर कॉर्नर पे इस तरह से ब्लेंड करूँगी टुवर्ड्स इनर कॉर्नर। इस तरह से क्रीज लाइन पे हमें आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करना है धीरे धीरे। उसके बाद फिर से मैं कलर ले रही हूँ और फिर से मैं डिपॉजिट करते हुए उसे ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से हमें ब्लेंड करते जाना है जब तक आपको मनचाहा शेड, आपको मतलब जो इंटेंस ब्लू आप चाहते हो उस तरह के आपको मिल ना जाए। आपको ब्लेंड करते रहना है, ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड गाइज। सो फिर से मैं ले रही हूँ ब्लू कलर और उसे इस तरह से लैस लाइन के ऊपर लगा रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश और फ्लैट ब्रश की मदद से मैं कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ ब्लू कलर को आइज के नीचे। इस तरह से अप्लाई कर लूंगी मैं, और अप्लाई करने के बाद मैं उसे भी ब्लेंड कर दूंगी ताकि मेरी शैडो में कोई भी हार्श लाइन, कोई भी क्रीज लाइन ना दिखे। याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप आईज़ करते हो, आई शैडो करते हो, तो आपकी ब्लेंडिंग ही सबसे प्रॉपर दिखनी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए। अब मैं ले रही हूँ एक डार्क ब्लू शेड, जिसे मैं इस तरह से आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। अब जो हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया था उसी को मैं प्रेस करते हुए पूरे लिड पे अप्लाई कर दूँगी, और फिर मैं एक वाइट ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर। इसे अच्छे से स्टिक कर देने के बाद मैं अप्लाई करूँगी लैशेस और लाइनर। लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं पतली सी लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मेरी एक आईज कंप्लीट हो जाएगी, सो आई विल डू द नेक्स्ट आईज सिमिलरली। अब मैं एक स्पूली की मदद से, ब्राउन शेड की मदद से अपने आईब्रोज को भी डिफाइन कर लूंगी। आप एंगल ब्रश की जगह आप स्पूली से भी ब्राउन शेड पिक करके उसे अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। के बाद मैं फेस को क्लीन करने के बाद एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूंगी। मैंने सीटीएम कर लिया। आप एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद फेस में मैं यहाँ पे लूंगी कलर करेक्शन। मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ अपने फेस पे, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पिगमेंटेशन है, कुछ भी अगर है आपकी स्किन में प्रॉब्लम, टैनिंग है, मंकी माउथ है, या फिर अराउंड नोज कोई भी आपके डार्क सर्कल है, तो आप उसे हाइड कर सकते हो अपने स्किन से दो टोन डीपर शेड लेने के बाद। इस तरह से मैं अप्लाई कर लूंगी कंसीलर और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ पिटमे की फाउंडेशन और उसे मैं अप्लाई करूंगी डैब डैब करके, और ब्यूएट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। डैबिंग मोशन में हमें अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है। अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ और ये सब है हमारी हाइलाइटिंग जोन। हाइलाइटिंग करने के बाद मैं फिर से उसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दूंगी, और मैं सारे जो मैंने फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई किया है उसे लॉक करूंगी फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट से। इस तरह से पॉप की मदद से हमें सारे कंसीलर फाउंडेशन को लॉक करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कोरल कलर की ब्लश, और मैं ब्लश जो है बहुत ही हल्की अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आईज मेकअप बहुत लाउड किया है, तो इसलिए मैंने बेस जो है बहुत सटल रखा है। उसके बाद जो है मैं सुगर कॉस्मेटिक्स की ब्रॉन्जर ले रही हूँ, जिससे मैं अपने फीचर्स को डिफाइन कर लूँगी। इस तरह से मैं अपने जॉ लाइन पे, चिक बोन पे इस तरह से अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद नोज़ को भी मैं कंट्रोल कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक पे। इस तरह से अप्लाई करने के बाद, और हाइलाइटर जो है मैंने बहुत ही हल्की रखी है, इस तरह से हम अपने चीक बोन पे हाइलाइटर यूज़ करेंगे, नोज़ ब्रीज पे, लिप्स के ऊपर, नीचे, और फिर फोरहेड पे इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई करना है हमें। उसके बाद में जो है ब्लू कलर जो ऊपर अप्लाई किया था उसी को मैं पेंसिल ब्रश से नीचे की और लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी, और पिंक शेड लगाने के बाद मेकअप को अपना फिक्स कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की फिक्सर से, जिससे हमारी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सके। और ये हो गई है हमारी लुक कंप्लीट।
फ्रेंड्स आप इस लुक को कैरी कर सकते हो एंगेजमेंट मेकअप पे, आप इसे हैवी एक्सेसरीज ज्वेलरी के साथ आउटफिट के साथ कैरी अप कर सकती हो और बना सकती हो इस लुक को बहुत ही हैवी। मैंने इसे बहुत सिंपल रखा है फ्रेंड्स, लेकिन आप इसे एक्सेसराइज करके हैवी ज्वेलरी या हैवी आउटफिट के साथ इसे बहुत ही हैवी लुक क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इसे एंगेजमेंट पे भी अपने कैरी कर सकती हो। ये ब्लूइश आईज बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही एलिगेंट दिखती है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये ब्लू आईज़ जो मैंने क्रिएट किया है आपके लिए, जो आप कर सकते हो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे एक्सेसराइज विद हैवी ज्वेलरी हैवी आउटफिट और बना सकते हो अपने लुक को बहुत ही स्पेशल एंड रॉयल। इवन यू कैन गिव दिस लुक टू योर ब्राइड इफ शी इज वेयरिंग ए ब्लूइश लहंगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये लुक पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग सब्सक्राइबिंग माई चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।